श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। मित्रांनो नमस्कार, हम गया नहीं जिंदा है। मित्रांनो, औरंगाबाद येथे स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या अंगात स्वामींचा संचार झाला होता, तेव्हा हे रेकॉर्डिंग केले होते। तरी सर्व स्वामी भक्तांनी प्रत्यक्ष परब्रह्माचा आवाज ऐकावा ही कळकळीची विनंती। धन्यवाद। सारे विश्व में जहां जहां स्वामी चरण स्मरण होता है, जहां जहां सदाचार सिद्ध होता है, जहां जहां गुरु तत्व की स्वामी तत्व की अनुसंधानात्मक तपस्या सिद्ध हो जाती है, चाहे वह किसी देश किसी स्थान किसी स्थिति किसी परिस्थिति किसी भी काल में क्यों ना हो, ऐसे अनंत भक्तों पर सारे विश्व में हमारी प्रतीति प्रदान करने के प्रयोजन से हमने यह सुनिश्चय किया कि अब यह जर्जर देह को प्रस्तुत अक्कल को ये नरसिंह भान देवालय के ब्रह्म गुफा प्रस्थापित करते हुए हमारे दिव्य देह के माध्यम से आने वाले अनंत काल तक भक्तगणों उनकी श्रद्धा उनकी भक्ति उनका प्रेम प्राप्त करते हुए उन्हें सुपंथ पर ले जाने के प्रयोजन से हमने जर्जर देह को ब्रह्म गुफा में रख दिया। यह प्रयोजन था। हम न आते हैं न जाते हैं, हमारा न जन्म है न मृत्यु है, हम अखंड अचल अविनाश सर्वत्र सर्वव्याप्त तत्व होने के कारण किसी देश में सीमित रखते हुए लीला प्रसंग को पूर्ण विराम देते हुए हमने निश्चय किया कि अपने मूल स्वरूप में पुनश्च प्रविष्ट होते हुए भक्त तारणार्थ भक्त कल्याणार्थ सर्वत्र सर्वव्याप्त स्थान पर एको समय अनंत स्थान पर अपने दिव्य आविष्कार अपना दिव्य कृपा आशीर्वचन सिद्ध बने के प्रयोजन से हम सर्वत्र सर्वव्याप्त तत्व का भक्त कल्याणार्थ कार्य प्रारंभ करने का निश्चय उसी दिन में किया था। इसके कारण मैं सच्चिदानंद तत्व, मैं अखंड अविनाशी तत्व, मैं अमर तत्व, मैं कभी जाता नहीं, मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं अनंत हूं, मैं अनंत हूं, मैं सर्वत्र हूं, मैं सर्वव्याप्त तत्व हूं। जिस भक्त के अंतःकरण यह निश्चय हुआ कि सतगुरु के चरणों पर समग्रता से शरण जाते सतगुरु के आदेश के अनुसार अपना जीवन धन्य करना है, जिस भक्त ने यह निश्चय किया सदैव सदाचार सद्भाव समता तथा नित्य नियम नित्य अनुष्ठान नित्य व्रतस्थ नित्य स्वधर्म नित्य स्वकर्तव्य को सुनिश्चित
निश्चयात्मक बुद्धि के समवेत सिद्ध करते हुए सद्गुरु दिव्य कृपा श्रीवचन प्राप्त करने के प्रयोजन से स्वामी नाम अखंड अनुसंधान सिद्ध करना है। ऐसे सर्वत्र समग्र भक्तगणों के मैं उनके स्थान पर मेरा आविष्कार सुनिश्चित कर रहा। मेरी दिव्य ऊर्जा ऐसे भक्तगणों के स्थान भिन्न भिन्न लीला सिद्ध करते उन समग्र भक्तों का उद्धार हमने प्रारंभ किया है। मेरा दिव्य आविष्कार एक विशेष स्थान पर होते हुए अब विशेष सर्वत्र सर्वव्याप्त प्रत्येक अणुरेणु अधिष्ठान केंद्र बिंदु से व्याप्त क्षेत्र तक मेरा दिव्य आविष्कार सिद्ध हो रहा है। मेरी कृपा सर्वत्र समग्र जीव मात्र के लिए सर्वसमान साम्य स्थिति में अखंडता से उपलब्ध है। बाबा जस महोदय ने यह कृपा का दिव्य विनियोग स्वयं के कल्याणार्थ सिद्ध करने का निश्चय किया है। अवश्य हमारी कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरे आविष्कार भले ही कोई विशेष स्थान व्यक्ति समूह भक्तगणों के माध्यम से विशेष रूप में हो रहा है, किंतु अब विशेष स्थिति में मैं सर्वत्र मैं सर्वव्याप्त समस्वान साम्य स्थिति में अखंड विनाशक तत्व मैं गया नहीं, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आता नहीं जाता, मैं सूक्ष्मात् अति सूक्ष्म अणुरेणु का अणु मन का मन प्राण का प्राण नेत्र का नेत्र हूं, मैं स्वयं अंतरंग सूक्ष्मात् अति सूक्ष्माध्यम सूक्ष्मतर तत्व समग्र ब्रह्मांड नियंत्रक बनते हुए मेरे कृपा से सारे जीव मात्र की क्रिया चल रहे हैं। मैं कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही सारे सारे दिव्य आविष्कार, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषि के कारण आज के पुण्य स्मरण में हमारी मृत्यु का कोई चिंतन करने की अनिवार्यता नहीं, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका मृत्यु कदा भी नहीं होगा। मैं अखंड चैतन्य में मैं गया नहीं, हम जिंदा है, हम गया नहीं, हम स्थान अखंड अविनाश तत्व के दिव्य आविष्कार सारे भक्तगणों उद्धार के सारे जिज्ञास ज्ञान प्रदान करने के तथा जो प्रपंच में त्रस्त ग्रस्त हुए हैं जिनकी साधना में कोई विक्षेप कोई अनुरोध कोई मल पैदा हुआ है, कोई प्रलोभन से पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, ऐसे सारे सारे भक्तगण यत्न हमारे चरण पर शरण भाव से आगमन करते हैं। मेरा भी वचन
समर्पित शरणागत अनन्य शरण भाव से जो मेरे अनन्य आश्रय में आगमन करेंगे उनका योगक्षेम हम अवश्य सिद्ध करें। हम गया नहीं, हम जिंदा है। मेरी अनंत काल से अनंत काल तक अखंडता से अस्तित्व हो अविरत कृपा सर्वचन की दिव्य ऊर्जा अखंड रहे। चाहे ब्रह्मांड का सर्ग हो विसर्ग हो, चाहे ब्रह्मांड में लय प्रलय महाप्रलय हो, मैं अखंड हूं, मैं अविनाशी, मैं सृष्टि काल के पूर्व सृष्टि काल में तथा प्रलय महाप्रलय पश्चात आविरत अखंड रहा। हम कभी आते नहीं, हम कभी जाएंगे नहीं। मैं अचल हूं, मैं सर्वव्याप्त तत्व, मेरी कृपा सर्वत्र सर्वव्याप्त हमारे समग्र भक्तों हमारी दिव्य कृपा श्रवचन का दिव्य पर्जन्य अखंड अविरत प्राप्त होते जाए। प्रस्तुत संदेश छबारे समग्र भक्तगण अवश्य पुनः पुनः श्रवण करते हुए स्वामी चरण शरण भाव सिद्ध करो, अपने समग्र समस्या से मुक्त होते हुए आविरत सच्चिदानंद तत्व में अनुसंधानित रहो। बाबा और इस प्रकार से इस संदेश के साथ हम स्थित होते हैं।